हेलो, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जाना पहचाना पाठक सर जीएस वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं और रोज की तरह आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो एक राजनीतिक आर्थिक विषय है और पिछले काफ़ी दिनों से चर्चा में है, और वो विषय है स्पेशल कैटेगरी स्टेट अर्थात विशेष श्रेणी के राज्य। आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में ये विषय काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पता करते हैं कि ये विषय चर्चा में क्यों है। ये विषय दरअसल चर्चा में आया है 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद। आपको पता है कि 18वीं लोकसभा के चुनावों में किसी भी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है। हालांकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, लेकिन इस सरकार को अपने बहुमत के लिए अपने सहयोगी दलों टीडीपी तथा जेडीयू के समर्थन की आवश्यकता है। चूंकि टीडीपी और जेडीयू क्रमशः आंध्र प्रदेश और बिहार के क्षेत्रीय दल हैं और ये दोनों राज्य लंबे समय से अपने लिए स्पेशल स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं, इसलिए ये आम धारणा है कि भविष्य में टीडीपी के द्वारा आंध्र प्रदेश के लिए तो जेडीयू के द्वारा बिहार के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की जाएगी, अर्थात उन दोनों राज्यों के लिए वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड करेंगे। इसीलिए ये विषय इस समय इतना ज़्यादा चर्चा में है। आइए अब हम इस बात का पता लगाएं कि विशेष श्रेणी के राज्यों के संबंध में चर्चा कहाँ पर की गई है, आखिर इनका आधार क्या है। देखिए, न तो भारत के संविधान में एवं न ही भारत की संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि में विशेष श्रेणी के राज्यों के दर्जे के संबंध में कोई प्रावधान है। दरअसल 1969 तक केंद्र सरकार के पास ऐसा कोई मानक नहीं था कि जिसके आधार पर केंद्र सरकार राज्यों को मदद दे सके। इसी पृष्ठभूमि में पांचवें वित्त आयोग ने यह अनुशंसा की कि जो राज्य आर्थिक और भौगोलिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनके विकास के लिए उन्हें विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाना चाहिए, और इसी के साथ विशेष श्रेणी के राज्य की अवधारणा अस्तित्व में आई। आइए अब हम पता करते हैं कि आखिर ये विशेष श्रेणी का दर्जा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये विशेष श्रेणी का दर्जा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा प्रदान किया जाता है, और राष्ट्रीय विकास परिषद ने पहली बार 1969 में जम्मू कश्मीर, असम तथा नागालैंड को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया था। आगे 8 अन्य राज्यों को भी विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया, जिनमें शामिल थे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मेघालय। आइए अब हम यह जानने का प्रयास करें कि आखिर राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा किस आधार पर दिया जाता है, अर्थात वो कौन से आधार हैं जिनके माध्यम से किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है। तो इसके संबंध में 5 आधार बताए जा सकते हैं। पहला आधार ये है कि उस राज्य का अधिकांश हिस्सा पहाड़ी एवं दुर्गम हो। दूसरा आधार ये है कि उस राज्य की आबादी या तो बहुत कम हो या उस राज्य की बड़ी आबादी जनजाति समुदाय से संबंधित हो। तीसरा आधार ये है कि वह राज्य रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो और राज्य की सीमाएं पड़ोसी देशों को स्पर्श करती हों। जो चौथा आधार है वो ये है कि राज्य आर्थिक एवं अवसंरचनात्मक रूप से पिछड़ा हुआ हो। पांचवा और अंतिम आधार ये हो सकता है कि राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक ना हो। ये ऐसे 5 आधार हैं जिन आधारों पर किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जा सकता है। आइए अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। इन राज्यों को लाभ प्रदान करने के लिए एक फार्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, उस फार्मूले का नाम है गार्डगिल मुखर्जी फार्मूला। जिन राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है उन राज्यों को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। इनमें से जो सबसे पहला लाभ है वो यह है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को मदद दी जाती है उस मदद का 30% विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को दिया जाता है। अर्थात अगर मान के चले कि अगर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 100 रुपये की मदद दी तो इस 100 रुपये में 30 रुपये की मदद उन राज्यों को दी जाएगी जिन राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है। इसी प्रकार से
केंद्र के द्वारा राज्यों को जो मदद दी जाती है, मतलब जो विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्य हैं उनको जो मदद दी जाती है वो मदद 90% अनुदान के रूप में तथा 10% बिना ब्याज के कर्ज के रूप में होती है, जबकि अन्य राज्यों के लिए यह अनुपात 60-40 या 80-20 का हो सकता है। इसके अलावा जो विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्य होते हैं उन राज्यों को इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम ड्यूटी तथा एक्साइज ड्यूटी इत्यादि के संबंध में छूट प्रदान की जाती है, ताकि उस राज्य में व्यापारिक एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देकर उस राज्य का आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा सके। आइए अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि 14वें वित्त आयोग ने विशेष श्रेणी के राज्यों के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए थे। 14वें वित्त आयोग, जिसका गठन 2013 में किया गया था, उसने सुझाव दिया था कि केंद्र को राज्यों को मदद देने के लिए उन्हें विशेष श्रेणी का दर्जा देने के बजाय केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों के हिस्सेदारी को बढ़ाने के संबंध में विचार करना चाहिए। आइए अब हम केंद्रीय कर राजस्व के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आपको पता है कि भारत में संघीय शासन प्रणाली है और संघीय शासन प्रणाली की भावना के अनुरूप भारत में संविधान के द्वारा केंद्र तथा राज्य के मध्य वित्तीय संसाधनों का भी आवंटन किया गया है। ये आवंटन कुछ इस प्रकार से है कि केंद्र के पास आवंटन अधिक और राज्य के पास आवंटन कम है, अर्थात जो राजस्व प्राप्त होता है वो केंद्र को अधिक होता है और राज्यों को कम होता है। इसी नज़रिए से भारतीय संविधान का अनुच्छेद 275 यह प्रावधान करता है कि वह केंद्र को यह अधिकार देता है कि केंद्र को यदि आवश्यकता महसूस हो वो ऐसे राज्यों को जिन्हें आर्थिक सहायता की आवश्यकता हो उसे अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान कर सकेगा। अब ये सहायता किस रूप में और कितनी प्रदान की जाएगी इसके संबंध में वित्त आयोग की अनुशंसाएं काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं। 13वें वित्त आयोग ने इस केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों को जो दिया जाने वाला शेयर था उसे 32% रखने की अनुशंसा की थी, लेकिन 14वें वित्त आयोग ने इस शेयर को बढ़ाकर 42% करने की अनुशंसा की थी, जिसे सरकार के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। तो अब चूंकि सरकार जो है केंद्रीय कर राजस्व में राज्यों के हिस्सेदारी को पहले से ही बढ़ाकर 42% कर चुकी है, इसलिए राज्यों को मदद देने के संबंध में जो गाडगिल मुखर्जी का फार्मूला था उसको अब समाप्त कर दिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज विशेष श्रेणी के राज्य के संबंध में दी गई ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। तो इसी प्रकार से अन्य बेहतरीन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप GS World के ऑनलाइन चैनल से जुड़े रहें, और हाँ, आप GS World के ऑनलाइन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।